Good morning student, this is Gayatri Sharma again here with a new video. I welcome you in today's science class. Students, as you know that in previous video we have discussed question number 7. Now in this class we are going to revise question number 8, 9 and 10 of which chapter? Chapter number 2 from your My Observation book. So let's start. Our question number 8 is, Rohan had developed cavity in his teeth. Briefly explain how this cavity would have been formed in his teeth. अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो रोहन है उसके जो टीथ है उनके अंदर कैविटी हो गई है, तो आपने ये बताना है कि जो कैविटी है वो उसके जो टीथ है उनके अंदर कैसे फॉर्म हुई, कैसे बनी, वो कैविटी कैसे उसके अंदर उसके टीथ के अंदर पैदा हो गई. तो आपने क्या, जैसे कि आपको पता है कि हम वी शुड ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली, इफ़ वी डू नॉट ब्रश प्रॉपरली इट कैन कॉज कैविटी इन अवर माउथ. तो आपने इसको कैसे राइट करना है, when we eat our food, when we eat our food, some bites may get stuck in our mouth, in our teeth. When we do not clean our mouth, the germs start growing over them. तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जब हम क्या होता है, जब हम कुछ फूड खाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो कुछ फूड के जो बाइट्स होते हैं वो हमारे जो टीथ हैं उनके अंदर स्टक हो जाते हैं, स्टक में फंस जाते हैं. और when we do not clean our माउथ, जब हम अपने माउथ को अच्छी तरह से वॉश नहीं करते हैं, उसको अच्छी तरह से ब्रश नहीं करते हैं या उसको अच्छी तरह से रिंस नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जर्म स्टार्ट ग्रोइंग ओवर देम. अब जो उनके ऊपर क्या हो जाते हैं, जर्म स्टार्ट हो जाते हैं, स्प्रेड होना उनके ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं फूड के ऊपर. अब वो जर्म्स क्या करते हैं, दीज द जर्म्स प्रोड्यूस अ substance called acid. अब जो germs है वो क्या करते हैं, एक acid produce करते हैं which can eat the enamel and make hole in our teeth. अब वो जो germs हैं वो क्या करते हैं, produce a acid, acid को produce करते हैं. और जो acid है वो क्या करता है, जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है, हमारे टीथ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, उसको वो क्या कर जाते हैं, ईच कर जाते हैं. तो वो क्या कर देते हैं, हमारा जो टीथ है उसके अंदर वो होल बना देते हैं. तो इस तरह से अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे जो दांत हैं उनके अंदर कैविटी डेवलप हो जाती है. तो आपने किस तरह से राइट करना है इसको, व्हेन वी ईट आवर फूड सम बाइट्स मे गेट स्टक इन आवर टीथ. When we do not clean our mouth and the germs start growing over them. The germs produce a substance called acid which can eat away the enamel and make hole in our teeth. तो
तो ये इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इस तरह से आपने कैविटी को बताना है कि जो कैविटी है वो टीथ के अंदर कैसे डेवलप होती है। अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली, कि अगर आप अपने जो टीथ हैं, हमारे जो टीथ हैं, हम उसको प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले जब जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर एट है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसके कारण क्या हो जाता है, कैविटी हो जाती है। अगर हम अपने जो माउथ है उसको आफ्टर ईटिंग फूड वी डू नॉट रिंस वॉश इट, इट कैन कॉज कैविटी। तो एक तो कैविटी हो जाती है, दूसरा क्या होता है, कई बार हमारे जो मुंह है माउथ है उसमें से क्या होने लग जाती है, बैड स्मेल आने लग जाती है। तो बैड स्मेल भी किसकी वजह से आती है, जब हम अच्छी तरह से अपने जो माउथ टीथ हैं उनको हम ब्रश नहीं करते हैं। तो आपने ये दोनों रीज़न यहाँ पे राइट करने हैं। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट रीज़न में क्या लिखना है, फर्स्ट में आप लिखोगे इट कैन कॉज कैविटी इन अवर टीथ, इट कैन कॉज कैविटी इन अवर टीथ। देन सेकेंड इट कैन गिव राइज टू अ बैड स्मेल इन अवर माउथ, क्या होता है दूसरा इसके कारण, जो माउथ है उसके अंदर से क्या आने लग जाती है, बैड स्मेल आने लग जाती है। तो आपने दोनों रीजन बताने हैं, इट कैन कॉज कैविटी इन अवर टीथ, सेकेंड इट कैन गिव राइज टू अ बैड स्मेल इन अवर माउथ। तो दीज आर द टू रीजन्स। टेंथ क्वेश्चन नंबर 10, राइट विच टाइप ऑफ टीथ आर यूज व्हाई, तो स्टूडेंट्स एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द शेप एंड द फंक्शन ऑफ द टीथ वी कैन क्लासीफाई द टीथ इंटू 4 टाइप्स, दे आर इंसाइजर्स एंड कैनाइंस मॉलर्स एंड प्रीमॉलर्स, दीज आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन अवर माउथ एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कैनाइंस आर यूज टू कट द फूड, सॉरी इंसाइजर्स आर यूज टू कट द फूड, कैनाइंस आर यूज टू टीयर एंड होल्ड द फूड, मॉलर्स आर यूज टू फाइनली ग्राइंड द फूड एंड प्रीमॉलर्स आर यूज टू चू द फूड। तो देखिए सबकी क्या क्या है, डिफरेंट वर्क हैं। तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, आपने इसमें राइट करना है कि कौन से फूड्स के लिए कौन से टाइप्स के जो टीथ हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है बाइटिंग एन एप्पल, आपने एप्पल खाया होगा तो सबसे पहले हम उसको किससे बाइट करते हैं, सामने वाले जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर्स बोलते हैं। तो इंसाइजर्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम एप्पल खाते हैं, तो एप्पल खाने के लिए उसको बाइट करना पड़ता है। तो बाइटिंग एन एप्पल के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम कट करने के लिए इंसाइजर्स का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे इंसाइजर्स, INCISORS, इंसाइजर्स। देन सेकेंड इज ईटिंग राइस, अब देखिए आप राइस भी आप खाते हो तो राइस के ईटिंग करने के अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं, मॉलर्स और प्रीमॉलर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मॉलर्स हैं प्रीमॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, चूइंग द फूड, फूड को चबाने के अंदर, क्योंकि राइस हैं उनको हम क्या करते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद में उनको हम खाते हैं। तो ईटिंग राइस में हम किसका यूज़ करते हैं, मॉलर्स और प्रीमॉलर्स का यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, प्रीमॉलर्स एंड मॉलर्स। देन सेकेंड इज टीयरिंग मीट, अब मीट को जो टीयरिंग करने का वर्क है, जो कौन से टीथ हैं जो हमारा होल्ड और टीयर द फूड में हेल्प करते हैं, तो दे आर कैनाइंस, क्योंकि कैनाइंस हेल्प टू होल्ड एंड टीयर द फूड। तो टीयरिंग जो मीट है, आपको पता है कि जो एनिमल होते हैं उनके जो कैनाइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, क्योंकि उनको जो मीट है उसको क्या करना पड़ता है, टीयर करना पड़ता है उसको। तो टीयरिंग मीट के लिए हम कौन से टीथ का यूज़ करते हैं, canines का यूज करते हैं। तो C A N I N E S, हाउ मेनी canines वी हैव इन अवर माउथ, वी हैव 4 canines, दे आर जस्ट नेक्स्ट द इंसाइजर, इंसाइजर्स के जो बाद वाले टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, canines होते हैं।
And how many incisors in our teeth? In our mouth, we have 8 incisors, 4 upper side and 4 lower side. They are the front teeth. So, next is chewing grain. Grain ko chewing karne ke liye, we use molars. लास्ट इज पीलिंग शुगर केन. आपने कभी शुगर केन खाया, गन्ना खाया आपने कभी? तो गन्ना जब हम खाते हैं, शुगर केन को जब पील करते हैं, तो उसको पील करने के लिए हम कौन किसका यूज करते हैं? केनाइंस का यूज करते हैं. तो इट कैन कॉज कैविटी इन अवर माउथ एंड इट कैन गिव राइज टू अ बैड स्मेल इन अवर माउथ. दोनों कारण होंगे, एक तो कैविटी हो जाएगी और दूसरा हमारा जो माउथ है उसमें से क्या आने लग जाएगी, बैड स्मेल आने लग जाएगी. क्वेश्चन नंबर 10, राइट विच टाइप ऑफ टीथ आर यूज व्हाइल बाइटिंग एन एप्पल. वी यूज इंसाइजर्स. ईटिंग राइस वी यूज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. Tearing meat, we use canines. Chewing grain, we use molars. And peeling sugar cane, we use canines. Chewing grain में हम molars का use करते हैं और peeling sugar cane, we use canines. So these are your question number 8, 9 and 10. So students, today your homework is that you will learn these questions 8, 9 and 10. And try to write them in your notebook. That's all. Thank you.